पता नहीं मेरे साथ अच्छा हो रहा है या बुरा, पर कुछ तो हो रहा है और लगातार होता ही चला जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे जैसे मेरे कुछ बस में ही नहीं है, बस बस होता चला जा रहा है। तू जो सोचेगी, तू जो चाहेगी, वो होगा नहीं, होगा वही जो तेरी किस्मत में लिखा है। और तेरी किस्मत तेरे जन्म से पहले ही लिख दी गई है। तेरे इस जन्म की कहानी भी तेरे उस जन्म में ही रच दी गई थी। वो आएगा, वो आएगा। और तेरा ये हाथ पकड़ के तुझे ले जाएगा। तेरे हर कर्म, तेरा हर जन्म, सब कुछ तेरे तेरी किस्मत से जुड़े हैं, तेरे तेरी आत्मा से जुड़े हैं, तेरे जन्मों से जुड़े हैं। तू एक काम कर, रुक। ये देख, ये रुद्राक्ष, उसे तेरे पास लाएगा, जिसका तेरे पास आना लिखा है और जिसके साथ तेरा जाना लिखा है। ले 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 ले, इसे रख 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 ले, मेरा आशीर्वाद समझ के रख। देख, तेरी किस्मत तुझे उसके पास ले जाएगी। वो कब से तेरा इंतजार कर रहा है पता है तुझे? कब से तेरा इंतजार कर रहा है? माई, मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है, मेरा वक्त हो गया है। मैंने कहा था ना मैंने, तो चाहे जो सोचे, चाहे जो कहे, तू जाएगी वहीं जहां तेरी किस्मत तुझे ले जाएगी, जहां तेरा जाना लिखा है और जहां जहां उसका आना लिखा है। वो औरत जो उस दिन मुझे सड़क पे मिली थी, वो उसकी बातें सच में सच हैं। उसके अंदर कोई तो जादू है, क्योंकि उसने कहा था कि मैं चाहे जो भी चाहूं, होगा वही जो मेरी किस्मत। मेरी किस्मत मुझे यहां क्यों लाई? क्या लिखा है मेरी किस्मत में? क्या यही मेरी किस्मत में लिखा है? यहां मुझे कौन मिलने वाला है? तनुजा, क्या कर रही हो? चलो जल्दी, लंच टाइम हो गए, चलो। मुझे भूख नहीं है, वो ये फोटो गिर गई थी, मैं ये फोटो रख दूं? फोटो वोटो छोड़ो, बाद में सर आ जाएंगे, चलो जल्दी। मुझे सच्ची में भूख नहीं है। हाँ, मैं ना लंच टाइम में अपनी चप्पल ठीक करा लेती हूँ, नहीं तो सर ने मुझे अगर ऐसे देख लिया ना तो वो मेरे ऊपर हंसने लगेंगे। बस यही एक चीज है जो इस ऑफिस में कभी नहीं होगी, क्योंकि जो हमारे सर है ना, वो कभी हंसते ही नहीं। ये क्या मतलब, वो कभी नहीं हंसते? ऐसे कौन करता है? तुम मिलोगी ना तब तुम्हें पता चल जाएगा। चलो तुम अपनी चप्पल बनवा लो, मैं लंच कर लेती हूँ, चलो जल्दी। अब आप मुझसे प्यार व्यार कुछ नहीं करते हो, आप बिल्कुल वैसे नहीं हो जैसे पहले होते थे, जब क्या जब तनु होती थी।
भैया आप मेरी चप्पल ठीक कर दीजिए जल्दी, मुझे टाइम पे वापस ऑफिस पहुंचना है। जब तक कोई दूसरी चप्पल। थैंक यू। सोनिया अगर मुझे ऐसे देख लिया ना तो वो मेरे ऊपर हंसने लगेंगे। बस यही एक चीज है जो इस ऑफिस में कभी नहीं होगी, क्योंकि जो हमारे सर है ना वो कभी हंसते ही नहीं। पता नहीं आज तक मैंने कोई ऐसा इंसान नहीं देखा जो कभी हंसता नहीं है, और पता नहीं मेरे सर कैसे होंगे जो कभी हंसते ही नहीं। मैं जब उनसे मिलूंगी कभी कुछ उल्टा सीधा ना बोल दूं, पता चला वो मेरे ऊपर गुस्सा हो जाए। नहीं नहीं, आज ही मुझे जॉब मिली है और आज ही मेरे हाथ से वो जॉब नहीं जानी चाहिए। अपना ख्याल रखना, ओके, बी गुड। बहन जी आपका चप्पल बन गया। हो गया जी। थैंक यू भैया, ये लीजिए आपके पैसे। थैंक यू। अरे भैया आपका पर्स, अरे आपका पर्स। लड़की रुको। अरे भैया आपका पर्स, अरे भैया आपका पर्स, अरे अपना पर्स तो लेते जाओ। अरे कहाँ जा रहे हो? चोर चोर चोर। पर्स चुरा रहे थे? मुझे नहीं पता था कि आप चोर हैं। शट अप! तुम मेरा पर्स चुरा के भाग रही हो और मुझे चोर बोल रही हो? अरे मैं नहीं, वो चोर जो भाग रहा था उसके पास ये पर्स था। मुझे लगा ये पर्स उसका, तो मैं तो उसे ही देने जा रही थी। एक तो चोरी, ऊपर से तुम जिस लड़की को अच्छी तरह जानता हूं, मेरा हाथ, मेरा हाथ, मेरा हाथ छोड़िए। तुम मेरा पीछा करना क्यों नहीं छोड़ती? पता नहीं तुम्हारी प्रॉब्लम क्या, पर पता है क्या, तुम मेरी बहुत बड़ी मुसीबत हो, बहुत बड़ी मुसीबत। जानती हो किसका पर्स है ये? ऋषि सिंह बेदी का पर्स है जो तुमने चोरी की है। चलो। मैंने चोरी नहीं की। फिर तुम्हारे हाथ पे क्या कर रहा था? मैं बोल रही हूँ ना, मैं चोर नहीं हूँ। जरूर तुम चोर के साथ मिली हुई हो। अरे अरे आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? मैं बोल रही हूँ ना, मैंने चोरी नहीं की। मेरी शक्ल देखे, मैं आपको चोर किसी की शक्ल अकल पे नहीं लिखा था कि वो चोर है। ओके, स्टॉप एक्टिंग डम्ब और चलो मेरे साथ। मेरा हाथ। क्या मेरा हाथ? चुप। कहानी अच्छी बना लेती हो पर पकड़ी जाती हो। हाँ लगता है तुम प्रोफेशनल चोर तो अब तक बनी नहीं हो, ट्रेनिंग ले रही होगी ना? आओ तुम्हें ट्रेनिंग देता हूँ, अच्छी वाली ट्रेनिंग। मैं चोर नहीं हूँ, मेरा हाथ दर्द हो रहा है। चोरी की है, सजा मिलेगी और दर्द भी होगा। चलो अब ये हाथ मैं नहीं छोड़ने वाला। चलो। मैं नाटक मत करो मेरे साथ। मैंने कहा ना लेके जाऊंगा, हाथ पकड़ के लेके जाऊंगा। बात समझ नहीं आती तुम्हें क्या? तुम जैसी लड़की को अच्छी तरह जानता हूं मैं। मैं ये हाथ नहीं छोड़ने वाला, समझ गई? नाटक बंद करो। अब देखो मैं क्या करता हूं।
देखना तू, तू उसको मिलेगी। उसकी किस्मत, उसकी कायनात बन के उसे मिलेगी, देख लेना। साहिबा, कार लेकर आओ, पुलिस स्टेशन जाना है। अब दिखाता हूँ मजा, चोरी करने का बहुत शौक है ना, अब आओ चोरी करते हैं। हे भगवान, क्या है कि सॉरी मॉम, अब हम नहीं झगड़ेंगे। हो गया सॉरी, चलो दोनों दे, चलो चल, तुम्हारी माँ बताएगी। अब पता नहीं कुछ समझ में नहीं आता लड़कियों के। तुम दोनों को बताना मैं मुंबई क्यों आई हूँ। क्यों मॉम? तुम दोनों को दुनियादारी समझाने, दुनियादारी के बारे में बताने। ये जो दुनियादारी है ना, ये वेले फ्री में नहीं चलती है, इसको चलाने के लिए चाहिए पैसा। और बेटा जिसके पास पैसा नहीं है ना, वो है ठंडन गोपाल, समझे तुम दोनों। और पैसे कमाने के ना कई तरीके होते, कई तरीके समझी। सबसे बड़ी चीज है मेहनत। क्या मेहनत? बैठो ना, बता रही हूँ आगे की बात। देखने आ, इन्हें उल्टे सीधे रास्ते मत बताना, समझे तू। मम्मी मुझे पूरी बात कंप्लीट तो करने दो ना, मैं समझा रही हूँ ना इन दोनों को। चल बोल बता। देखो बेटा, मेहनत करके ना सिर्फ दो ही चीजें कमाई जा सकती है, चना और मुरमुरे। अगर रातों रात अमीर होना है ना, तो रातों रात किसी अमीर लड़के से शादी करनी पड़ेगी। और एक बार तूने अमीर लड़कों से शादी कर ली ना, उसके बाद रात ही रात सारा पैसा, सारी धन दौलत सब तुम्हारी, मतलब बिना मेहनत के अमीर है कि नहीं। और अमीर लड़का कौन? नकुल। और नकुल शादी तुमसे क्यों करेगा? सिर्फ दो वजह से, या तो वो तुम दोनों से प्यार करे, या फिर दूसरा। अरे दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं, बस एक ही रास्ता है, सिर्फ और सिर्फ एक, नकुल को अपनी प्रेम कहानी में फंसाना, उसके साथ अपनी प्रेम कहानी बनाना। और प्रेम रतन भी कई तरीके के होते हैं, पता है तुम्हें। अब तुम दोनों को ये सोचना है कि जो लड़का तुम दोनों से प्यार करता है उसे कौन सा धन चाहिए। एक तरफ से प्रेम रतन धन दो और दूसरी तरफ से प्रेम रतन धन लो, बस सिंपल। पर नानी मैं समझी नहीं, ये प्रेम रतन किस किस टाइप के होते हैं? मैं समझाती हूँ। एक तो वो होता है जो पुरानी पिक्चरों में दिखाते थे ना, वो पेड़ के पीछे चारों तरफ हीरो हीरोइन दौड़ रहे और पीछे जाके। दूसरा वाला ना, वो इमरान हाशमी वाला प्यार बेटा, वो काले काले बादल, वो झीमरी आंखें, वो बारिश, प्यार वाली बारिश, वो वाला प्यार। समझी तुम दोनों कुछ? समझी कि नहीं? हाँ नहीं। समझ गई ना? हो गई होगी इमरान हाशमी वाले प्यार में मम्मी। बड़ी समझदार है तुम्हारी बेटिया। ये लीजिए, पकड़े इस चोर को, सलाह के पीछे डाल दिया, मेरा एफआईआर लिखिए। सर आप? जी, बहुत चुराया इसने मेरा। इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं चुराया, मैंने इनका पर्स नहीं चुराया। ये मेरी बात नहीं सुन रहे, कम से कम आप तो मेरी बात सुन लीजिए। क्या रंगे हाथों पकड़ा है तुम्हें? मेरा वॉलेट तुम्हारे हाथों में था, तुम झूठ कह रही हो। अरेस्ट कीजिए और केस ठोकिए अभी इसी वक्त। इंस्पेक्टर साहब प्लीज पहले मेरी बात सुनिए, मैं तो मोची की दुकान पर अपनी चप्पल ठीक करा रही थी, अचानक से कोई आया और मुझसे टकरा गया और उससे पर्स गिर गया। मुझे लगा कि वो उसका पर्स है, मैं उसके पीछे भाग रही थी और फिर ये आया और सब इनके आते मुझे कुछ समझ में नहीं आया और इन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगे कि वो पर्स इनका है और मैंने चुराया। इंस्पेक्टर साहब अब आप ही बताइए ना मेरी क्या गलती। इंस्पेक्टर साहब मैंने जानबूझकर, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने चोरी नहीं की। वाह, क्या कहानियां सुनाती हो तुम। हाँ, आज तक मैंने ऐसी कहानियां नहीं सुनी। मेरी आंखों में आंखें देखकर तुम इतना झूठ के। डिस्गस्टिंग दिस इज। इंस्पेक्टर मैं कहानियां सुनने नहीं आया, अरेस्ट कीजिए अभी इसी वक्त। गोमती, डाल अंदर से। अगली बार चोरी करने पहले 100 बार सोचेगी। Shame on you. पहली बार यहीं कहीं देखा था मैंने उसको, यहीं पर देखा था, तो यहीं कहीं रहती होगी। दे दो माताजी, कुछ देती जाओ, दे दो दे दो। हाँ। ए बाबू, ओ भैया, ओ दादा। अरे सुन, मेरा ना चेहरा देख के बता, मेरी याद आती थी, मेरा मतलब है पहचाना मैं कौन हूँ। याद है आपने मुझे 100 रुपए का नोट दिया था, आज फिर से मिलेगा क्या? हाँ मिलेगा ना, अगर उस लड़की की डांट मिलेगी। वो उस दिन वाली लड़की, उसे तूने यहाँ आते जाते देखा है? नहीं माताजी, ऐसा फरिश्ता रोज थोड़ी ना आता है। ये तो तूने बहुत अच्छी बात कही, उसे फरिश्ता कहा।
ये ले। भगवान आपका भला करे, सुखी रहो। हे माता रानी, आज मुझे वो लड़की मिल जाए बस, बस मिलते ही उसका हाथ पकड़ के ना घर ले जाऊंगी और उसे घर में कोई ना कोई काम दे दूंगी। इस बहाने वो मेरे साथ तो रहेगी, पर इसके लिए तो उसे ढूंढना पड़ेगा। कहाँ ढूंढूं? कोई ना कोई बात तो जरूर है उसमें जो मुझे इतनी अपनी सी लगती है। कोई ना कोई रिश्ता हम दोनों का जरूर है, पर देखो ना, उस दिन मुझसे गलती हो गई जो मैं सो गई और वो चली गई, और उसके बाद उसने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। कम से कम आके मिलती तो सही। हे माता रानी, कहीं कहीं उस पे कोई मुसीबत ना आ गई हो। अगर आ गई है तो उसे बचा लेना, उस पे आज नहीं आने देना, और अगर नहीं आई है तो तेरा लाख लाख शुक्र है मेरी माँ, लाख लाख शुक्र है। तुम्हें चोरी क्यों की? जब इतनी तकलीफ हो रही है तो तुम्हें चोरी नहीं करनी चाहिए थी ना? क्योंकि तुमने चोरी? मैंने चोरी नहीं की। मैं मानती हूँ कि आप मुझे मुसीबत समझते हैं, मुझे कबूल भी है, लेकिन मैं आपको जानबूझ के परेशान नहीं करती। ठीक है कि आप मुझे मुसीबत कहते हैं, इट्स ओके, फाइन, चलेगा। क्या आप लोग एक दूसरे को पहले से जानते हैं? सर, प्रेमी प्रेमिका होंगे, झगड़ा हो गया होगा। Shut up, it's not funny. मैंने बिल्कुल नहीं जानता, बस ये मुसीबत है, सिर्फ मुसीबत। मैं यहाँ किसी नामकरण के एक्सप्लेनेशन के लिए आया हूँ, ना ही कहानियां सुनने आया हूँ। इस सवाल मत पूछिए। हाँ, एक चोर को पुलिस के हवाले करने जरूर आया हूँ, अरेस्ट कीजिए इसे अभी इसी वक्त। सर, क्या इसने आपके पर्स से पैसे भी चुराए? आपने अपना पर्स चेक किया? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं चुराया। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, अगर इनके पर्स में पैसे हुए ना, उसका मतलब तो मैं चोर नहीं हूँ ना, प्लीज फिर तो मुझे जाने दीजिए। पैसे से कई ज्यादा महंगी चीजें मेरे वॉलेट में, जो तुमने चुराने की कोशिश की है। सर, ऐसी क्या कीमती चीजें? बस है कीमती, कह दिया ना, था काफी है। बहाना अच्छा है, पता होगा पर्स में क्या, तब भी बताएंगे ना हम। कहना क्या चाहती हो? इंस्पेक्टर साहब, आपने इनकी बात तो सुनी, अब आप मेरी बात सुनिए। ये मुझे बार बार मुसीबत कहते हैं, क्या पता ही मुझे फंसाना चाहते हो, इसलिए बार बार झूठ बोल रहे हैं। ये भी तो हो सकता है ना। मतलब मैं झूठ कह रहा हूँ, ये मेरा वारंट नहीं है। इंस्पेक्टर, अभी तूका पानी का पानी हो जाएगा। ये देखो, देखिए मेरा आईडी, ये देखो मेरा आईडी, और ये रही वो कीमती चीज। ऐसा क्या है जो ऋषि के लिए इनकी जान से भी ज्यादा कीमती है? For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.